झुंझुनू में लोकसभा चुनाव का एक दिन शेष रह गया है। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। पुलिस प्रशासन भी चुनाव की तैयारी में जुट गया है। इसी को लेकर बुधवार को एसपी राजेश वर्मा ने पुलिस लाइन में चुनावी ड्यूटी में लगे पुलिस जवानों से रूबरू हुए। जवानों को हौसला बढ़ाया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस के जवानों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है और ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष करना है, किसी का साथ नहीं देना है। चुनाव की जो गाइडलाइन है उसी का पालन करना है। अपनी ड्यूटी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएं, लापरवाही नहीं बरतें, किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए सतर्क रहें। इस दौरान पुलिस पर्यवेक्षक IPS हिमानी खन्ना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे।